ओम शांति। आज 30 नवंबर 2022, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करें। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन और अनहेल्दी कौन? उत्तर है, हेल्दी वे हैं जो विचार सागर मंथन करते, जीवन में रमणीकता का अनुभव करते। जीवन में रमणीकता क्या होती है? मतलब एक मजा क्या होता है जिसमें हंसी आती है और व्यर्थ होता है, और हमारे व्यर्थ तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए रमणीकता मतलब होता है अपनी किसी भी बात को इस तरीके से अभिव्यक्त करें कि सबको अच्छा लगे, हंसी वाला नहीं, मतलब हल्का लगे, उनको भारीपन महसूस ना हो। कोई भी बात इस तरीके से अभिव्यक्त की जाए कि उनको अच्छा लगे, बुरा नहीं लगे, ऐसी कोई बात नहीं हो मतलब जो उनको बुरी लगे, मतलब इतनी सहज हो कि उनको सरलता से हजम हो और खुशी से अनुभव हो। ये नहीं कि भारी हो करके, हाँ खुशी, हाँ खुशी लगे और उस बात को सुनकर उनको भारीपन नहीं लगे। स्वीकार तो करें परंतु भारीपन से स्वीकार करें नहीं, बड़ा खुशी से स्वीकार करें, उनको लगे कि हाँ ये जो है ना इस प्रकार से हमें करना ही चाहिए, तो बात भी कर सकें। सरलता भी उसके अंदर होना जरूरी, रमणीकता में सरलता भी हो ताकि वो सहज बात भी समझ सके, कर सके। और अनहेल्दी वे जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता, जो सोचे ही नहीं मैंने क्या बोलना है, उसको सोचा ही नहीं और बोल दिया और बाद में सोचते रहे, तो वो जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को भारी करेगा। विचार सागर मंथन नहीं चलता, जैसे गौ भोजन खाती है सारा दिन उगारती रहती है तो समझते हैं कि गाय स्वस्थ है, और यदि वो उगार नहीं रही है तो क्या समझा जाता है? बीमार। मुख चलता रहता है, मुख ना चले चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे ही है, मतलब हम भी यदि बाबा के ज्ञान का सारा दिन मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं तो हम भी क्या हैं? बाबा की श्रीमद का मनन चिंतन नहीं कर रहे तो जरूर हम व्यर्थ का चिंतन तो कर ही रहे हैं, या नेगेटिव या व्यर्थ तो चिंतन हो ही रहा होगा। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों बच्चे बेहद के बाप पास आते ही हैं, किस लिए? रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये याद रहे ना कि हमें क्या मिलना है तो भी खुशी रहे। बाबा ने ये बैज जो बनवाए हैं इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। क्या है इसमें? ओ ओ भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं, बस बैज को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे मीठे बच्चों को बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, मीठे मीठे बच्चों को बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे, सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वे बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगड़ रह ना सके,
सर्विस बिगर रह ना सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है, सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। अच्छे स्टूडेंटों सामने तो टीचर को पढ़ाने में भी मजा आता है, सामने बुद्धू से बैठे हो तो क्या करेंगे। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ बहुत ऊंच टीचर बने हो, स्टूडेंट भी हो और स्टूडेंट के साथ क्या बन गए हो, टीचर भी बने हो। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे, जितना अच्छा टीचर होंगे उतना ही औरों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है, ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वे इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते। जिनको ज्ञान का व्यापारी होते हैं ना, ज्ञान का जो ये बड़ा बहुत बड़ा व्यापार है ना, व्यापार कौन सा है हमारा, ज्ञान का, ये बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वे इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते। जिनको ये पता लगता है कि इस इतना करने में इतना लाभ होने वाला है, क्योंकि व्यापारी का मतलब है कि वो लाभ देखता है, जिसमें लाभ देखता है तो उसके लिए उसको रात को नींद भी नहीं आती, सारी रात जाकर भी दुकान खोल के बैठा रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि लाभ होने वाला है। जब प्राप्ति नहीं होती ना तो उबासियां आती, प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसको क्या आती हैं, उबासियां आती। ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं, बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं, नए नए बच्चे पुरुषार्थ करके पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तकदीर है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है, अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाते। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें, टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते, अपने से क्या करते हैं, पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे, स्कॉलरशिप ही लेकर छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है, ऐसे बच्चों को मदद भी मिलती है, क्योंकि जो मेहनत करेंगे सफलता प्राप्त करेंगे तो खुशी मिलेगी और आगे बढ़ते जाएंगे, जो करेंगे नहीं तो आगे बढ़ने की भी उनमें उमंग उत्साह नहीं आएगी। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे, वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। कहाँ नजदीक होते जाएंगे, सतयुग के। कैसे पता लगेगा कि हम स्वर्ग के नजदीक आ गए हैं, स्वर्ग के हम नजदीक आ गए, जैसे बच्चा है कोर्स पूरा होता जाता है उसको लगता है कि अब मैं सेकंड डिवीजन आऊंगा, अब मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगा, अब मैं टॉप पर आ सकता हूँ, तो जैसे जैसे उसकी क्वालिफिकेशन में उसको समझ में आता जाएगा, व्यवहार में आता जाएगा, उतना वो और नजदीक और नजदीक और नजदीक चलता
उसी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। ये लाइन समझ में आ रही है? उनको लगेगा कि बस अब रिजल्ट निकला कि निकला, अब हम सतयुग में जाने वाले हैं, और उधर खूने नायक भी चल रहा होगा खेल, क्योंकि एक दिन का तो खेल नहीं है कि एक दिन खूने नायक खेल चलेगा और एक सेकंड, एक सेकंड का पेपर तो लास्ट है ना, उससे पहले जो होने हैं, ये तो नहीं खूने नायक खेल एक सेकंड का होगा। खूने नायक खेल तो पहले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, ये बढ़ता ही जाएगा। सबको अपने अपने हिसाब बराबर करने होंगे, ठीक है? ये तो कई दिन तक चलता रहेगा। और उधर हमें लगेगा बस अब नजदीक आया, अब नजदीक आया, जिसको बाबा क्या कहते हैं, मिरवा मौत मुलुक का शिकार। दुनिया हाय हाय कर रही होगी और आप सोच रहे होंगे बस अब तो समय नजदीक आ गया, अब तो अंत आ गया, और आपके पुरुषार्थ की स्पीड भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है, जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, आते जाएंगे। खुशी बढ़ती रहेगी, जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं रहेगी, खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। अभी क्या होना चाहिए? सतयुगी दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, अभी हम कहां जा रहे हैं, स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पांव नरक तरफ है, पांव नरक तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है, अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था। शिव बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओ ओ हम जाकर ये बाल मिचनू कृष्ण बनूंगा। बाबा को, हाँ बाबा को नशा है कि बस अभी हम जाकर ये बाल मिचनू कृष्ण बनूंगा। अब यहां एक नई बात आई है आज समझ में, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती, ब्रह्मा बाबा को कौन सी सौगात भेजते होंगे, कृष्ण वाली ड्रेस। जैसे बच्चे को पता हो, माँ को पता होता है बच्चा होने वाला है, उसके लिए ढेर सारी ड्रेस तैयार करके रखती हैं, तो ऐसे ही उनको भी मतलब उन किनको कहा है, ये आगे एक नई बात है, वही गोपिकाएं सौगात भेजेंगी, भेजती हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती, वे ही अमर लोक में देवता बनेंगे। अब ये लाइन क्या गड़बड़ कर सकती है, जो पढ़ेंगे इस टाइम पढ़ी तो होगी ना ये लाइन, अब मैंने भी कई बार पढ़ी होगी लाइन, पर तो मैंने कभी समझी नहीं, क्योंकि मुरली रिपीट हो रही है, साकार मुरलियां हैं, क्योंकि दो तीन साल बाद रिवाइज हो रही है, 30 साल में कई बार ये मुरली मेरे सामने से चली गई होगी, है नहीं? तो अब जैसे उस समय जिन्होंने मुरली सुनी होगी कि ये बाबा के पास ये जो कृष्ण की सौगात हैं या गिफ्ट हैं वो भेजेंगे जो देवता बनने वाले हैं, अब मैं उस टाइम होता तो मैं भी भेज देता, बनूंगा या नहीं बनूंगा, सौगात तो भेजूं, सौगात भेजने से सर्टिफिकेट तो मिलेगा, ये भी देवता बनने वाले हैं, मतलब जिन्होंने भेजा वो तो देवता बनने वाले हैं, जिन्होंने नहीं भेजा वो देवता बनने वाले, परंतु अतीन्द्र से नहीं, मतलब इसमें आप भी पढ़ के नहीं आया होगा, आप भी पढ़ के नहीं आया होगा कि बाबा को इस प्रकार के गिफ्ट जो है ना वही भेजेंगी जो देवता बनेंगे, बाकी भेजेंगे ही नहीं,
कल्प पहले भी हम ही बने थे, क्योंकि जो सतयुग में कृष्ण के साथ आने वाले हैं वही तो गिफ्ट भेजेंगे। कृष्ण के साथ आने वाले नहीं, बाद वाले नहीं भेजेंगे, उनको तो पता ही नहीं चलेगा ना। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं, ये बाजोली याद रहे तो भी असौभाग्य कि हम ही अर्प का 5000 साल बाद बनते हैं। सदैव खुशी में रहो, सदैव अथाह खुशी में रहो, बड़ी लाटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्थ, बीमार है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता ही रहता है, मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है, समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है, बेहद के बाप और दादा दोनों को मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है, बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा, पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। बाबा आकर ना केवल हम आत्माओं को पावन बनाते बल्कि 5 तत्वों को भी पावन बनाते, क्योंकि ये जो मिसाइल चलेंगी, बम्स चलेंगी, ये हमें मारने के लिए नहीं चलेंगे, हम तो वैसे ही जाने हैं। ये चलेंगे प्रकृति को प्योर बनाने के लिए, हम तो प्योर परमात्मा ने बना दिए। मतलब आत्मा तो अपने टाइम पर ऑटोमेटिक अकाउंट बराबर होगा, प्योर हो गई। आत्मा को तो उतना दर्द मिलना है जितना हमने किसी को दिया हुआ है। ये जो मिसाइल्स चलेंगी ये तो दुनिया को साफ करने के लिए चलेंगी, आग में नहीं जलेंगे। आग में जलेंगे तो शरीर जलेंगे, हमारा पेपर तो पहले हो जाएगा। जैसे हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर हो, हम किस लिए कर देंगे? और कार्मिक अकाउंट सबका बराबर होना है, एक साथ होना है, चाहे किसी का गर्दन काटते हुए होना है, चाहे किसी को प्यार करते हुए होना है, चाहे किसी को सहयोग देते हुए होना है, चाहे किसी को कुछ भी करते हुए होना है। जो आखिरी एक्ट है वो तो हर एक का है ही अपना ना, वो एक ही आत्मा के साथ है। लास्ट एक्ट सबका एक एक आत्मा के साथ ही होगा, एक एक्ट एक ही आत्मा। तो वो एक एक्ट बराबर हुआ, सभी आत्माएं परंधाम में, ये मिसाइल के बटन दबा जाएंगे वो, जिसके बाद सारी दुनिया सफाई। क्योंकि सारी दुनिया, क्योंकि सारे तत्व तो कौन उठाएगा बॉडियां, इसलिए बाकी तो कोई कोई उठाने वाला नहीं होगा। डेड बॉडीज पड़ी होंगी, कोई उठाने वाला नहीं, हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं होगा। तो वो जो तड़पना है वो पहले तड़पेंगे, तड़प ले लेंगे, जितनी देर मतलब 10 मिनट, आधा घंटा, किसी ने 4 घंटे, किसी ने 2 साल, किसी ने 6 महीने, जो भी तड़पना है वो पहले तड़प लेना है। उस सेकंड तो घर जाना है बस। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं, कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप कहते हैं प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहो, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है, बाप की ही श्रीमत है, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, ये भी चार्ट लिखना चाहिए।
हम श्री मत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्री मत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। श्री मत पर चलने से ही तुम क्या बनेंगे? एक्यूरेट बनेंगे। जितना बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी। ऊ और ऊंच बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है। बाप को इतना प्यार करते हैं, बाप को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना, प्यार करना माना ही याद करना, याद करना, याद करना माना बाबा का कहना माना, सबूत देना है। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद ना आए। इतना पुरुषार्थ करना है कि और किसी की भी याद ना आए, किसी और का कहना नहीं मानना पड़े। एक शिव बाबा की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, यही अंतिम मंत्र है अथवा वशीकरण मंत्र, रावण पर जीत पाने का मंत्र है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि को परिवर्तन होना ही, दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। अपने को क्या समझो? को हम हैं गॉडली स्टूडेंट, बाकी सारे देह के रिश्ते खत्म। स्टूडेंट समझो, आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तब ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। नींद आ गई तो घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान। बाबा आपने हमको क्या सी क्या बना दिया। बाबा कमाल है, ये कब निकलेगा? जब कुछ पाया हो। जब पाया नहीं होगा तो क्यों कहेंगे? अब बच्चे के सवाल अच्छे हुए, मैडम ने कहा बहुत अच्छे सवाल करके, ये किसने कराए? मम्मी ने कराए, तो दौड़ता हुआ आएगा ना, मेरी अच्छी मम्मी। पापा ने कराए, सवाल गलत हो गए, पापा गंदा है। थे नहीं, मतलब कहने का समझ, मतलब बाबा प्यारा कब लगेगा? जब मिला। तो सवेरे जब मिला तो फिर बाबा की श्रीमत पर आगे भी चलने के लिए आगे वाला भी कोर्स करा दो, आगे वाला भी चैप्टर कराओ। तो मतलब आगे की तरफ बढ़ने वाला स्टेप, खुशी होगी तो आगे वाला स्टेप बढ़ेगा। सवेरे खुशी नहीं है, आगे क्या करें? आगे क्या अपना पेपर भरेंगे? भी इतना मैंने पा लिया, इतनी कसर रह गई, तो उस कसर को निकालने के लिए तभी फार्म भरेंगे ना, आज अटेंशन देंगे इसके ऊपर भी। इतना तो हो गया ना, इतना तो पा लिया, तो आगे पाने के लिए फिर हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे। बाबा आप हमें अथाह खजाने देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते, हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। भोजन खाते काम काज करते बाबा आपकी ही याद करेंगे, मतलब आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलीव्ड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर वन पतित से हमको नंबर वन पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को ये सुमिरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। ओहो मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएगा।
कितना वंडरफुल ड्रामा है, कितना वंडरफुल ड्रामा है, ये सुमिरन कर सदैव हर्षित रहता हूं। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं, कितना लायक बनाते हैं, वाह तकदीर वाह, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए, इतनी खुशी हो, वाह हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना, इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है, पहले गुप्त सर्विस अपनी ये याद की करते रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे, फिर घड़ी घड़ी तुम क्या हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। बाबा आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, जो ये अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और ऊंच पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते तर चले जाएंगे, इसी अवस्था में बाप को याद करते घर चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए, याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने परसेंट बने हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने परसेंट बने हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसको शरीरधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है, बाप का संदेश कितनों को देते हैं, ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी, बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा दूसरी मुरली है, आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म की पर समझाया जाता, हम जितना समझते थे आज उसमें सुधार किया है, आज एक नई बात दिया है निरसंकल्प। जब तक तुम यहां हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे, क्योंकि आत्मा शरीर में आ गई, संकल्प चला हम परमधाम से बाहर हो गए, शरीर में आगे संकल्प तो चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता, संकल्प तो चलेंगे ही चलेंगे, नहीं रह सकता है। अब ये संकल्प यहां भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परम आत्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो, तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता वो संकल्प संकल्प नहीं, वो है निरसंकल्प। अब ये बात आज स्पष्ट हुई, निरसंकल्प कैसे हो सकते, निरसंकल्प ना ये बात नहीं, नहीं ये मतलब नहीं है उसका, निरसंकल्प का मतलब ये नहीं है कि संकल्प नहीं है, इस चीज को बाबा ने आज चेंज किया। कहते नहीं कि हम परम धाम में निरसंकल्प, यही सोचते थे, परंतु आज बाबा ने इसको अलग नए तरीके से अभिव्यक्ति दी, जो यहाँ भी हम निरसंकल्प हो सकते हैं। निरसंकल्प कैसे होते हैं, जैसे फौजी है, जैसे नौकर है, आपने उसको कहा कि ये ऐसे कर दे, उसने कुछ नहीं सोचना, आपने कहा और उसने कर दिया, अब उसका संकल्प नहीं चला ना, फौजी को कह दिया चाहे उसकी जान जानी हो,
कह दिया कि तुमने ये करना है, उसने वो करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस सीधा सा। तो हमें जो बाबा ने कह दिया हम वो कर रहे हैं, हमने सोचना नहीं है घाटा हो फायदा हो, हर चीज में हमारा कल्याण है। हम आंख बंद करके बाबा की श्री मत पर चल रहे हैं तो निसंकल्प है ना। बीच में हम चलाकी लगाए ऐसे कर ले में तो हम बाबा के संकल्प चल रहे हैं ना, और वो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं ना, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते मेरी याद में मेरी श्रीमत पर आप जो कर रहे हो वो है निर्संकल्प की अवस्था। मतलब आपको वो कोई संकल्प नहीं करना ना, आप तो एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे रेसिपी बना के दे दिया, हाँ करते जाओ बस। बाबा ने कहा है कि आप सबको आत्मा देखो, हम सबको आत्मा देखो, हम सोचने की क्या जरूरत है कि आत्मा है कि नहीं है। बाबा ने कहा कि आप आत्मा हो तो बस खत्म बात, मैं आत्मा हूं अब उस पर मैं चलाऊं, हाँ तो हाँ कर, फिर तो करता रहे, उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, फिर मैं अपने संकल्प को बीच में मिक्स कर रहा हूं, उसमें मॉडिफाई कर रहा हूं, तो वो मुझे संकल्प करने पड़ रहे हैं, मुझे सोचना पड़ रहा है कि बाबा की बात मानूं कि नहीं मानूं। बस सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलो तो निर्संकल्प, अकर्म भी तब होंगे। अब तक हम अकर्म की परिभाषा ये समझते थे आत्मा समझ कर किया गया कर्म अतकर्म, परंतु बाबा की श्रीमत पर आत्मा समझ के, वैसे मैं आत्मा हूं और गलत काम कर रहा हूं तो आत्मा समझ के थोड़ा किया गया, बाबा की श्रीमत पर किया गया कर्म अकर्म होगा। ये मतलब देखो कितने समय से हम मुरली पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ये बात आज सवेरे से मेरे दिमाग में घूम रही है कि देखो क्या हम समझते थे कि हम बहुत बड़ा समझ में आ गया, समझ में आ गया, कितनी बातें तो रही पड़ी हैं अभी तक समझ में आने के लिए। मतलब ये बातें रोज नई नई बातें हमें समझने को मिलती है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं वो विकल्प कहे जाते, वो विकर्म हो गए। मित्र संबंधियों के प्रति, परिवार के प्रति, देह के संबंधियों के प्रति जो भी हम संकल्प कर रहे हैं वो सब क्या है, विकल्प या विकर्म। बाबा की श्री मत पर उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं तब अकर्म है। बाबा की श्री मत, अपनी आत्मा आत्मा खत्म हो गई, मतलब बाबा की श्री मत के अनुसार हम के बिना सोचे काम कर रहे हैं, हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है। बाबा ने कह दिया ये आत्मा है, फिर हम क्यों सोच रहे हैं कि आत्मा है कि नहीं है, इसको आत्मा समझूं कि ना समझूं, ये अपना है ये पराया है, ये क्यों आ रहा है। सारी आत्माएं बराबर है ना, फिर तो बेहद की आत्मा है, ये अपना पराया क्यों आया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा क्या लगता है, स्वा हो गया, संकल्प चल पड़े ना, वरना तो मुझे आत्मा देखना था इसको भी और इसको भी, उसको भी और उसको भी, मेरी बुद्धि में ये फर्क आए ही ना कि मेरे सेंटर के भाई बहन है, क्यों आया, सारी आत्माएं हैं खत्म हो गई बात, तब है, जब तक ये नहीं आया है तब तक निर्संकल्प नहीं है, अकर्म नहीं है, वो विकल्प कहे जाएंगे, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलते हैं वो गोया निर्संकल्प हो गया। समझ में आ गया, नई बात है ना। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले का चले, देखो बाबा यहां बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस बल करो परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से, अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से, वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए।
वे मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ, अनासक्त होकर उसके प्रति जो फर्ज है वो अपना पूरे करो, पर तू अटैचमेंट नहीं, मोह नहीं, मोनिया रग नहीं जानी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ, परंतु जो कोई यहां होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बाप का हाथ तो मत छोड़, हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो देह अभिमानी जरूर ठहरा, उसमें जिसमें विकार नहीं वे ठहरा देह अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वे सजाएं जरूर खाएंगे, वे सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकार से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं, कर सकते हैं, करें तो कर सकते हैं। अब उनको बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वे तो तुम सब भी वोट देंगे, सर्विस भी कर सकते हैं, और उनमें ज्ञान योग अच्छा है तो फिर जी विज्ञान माना योग, हाँ तो वे तुम उसको वोट देंगे, कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है। अब ये तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम सब जानते हो, जो मेरे पास ज्ञान है वो तुम्हारे पास भी ज्ञान है, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब ये निश्चय करना जिनमें कुछ विकार हैं वो सर्विस नहीं कर सकते, वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चलो, अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए, विकारों पर पूर्ण रीति जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा, वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं। बाबा समझा रहे हैं, निरसंकल्प संकल्पता उसी को कहा जाता है संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा, दुख आया तो भी कोई संकल्प नहीं, सुख आया तो भी कोई संकल्प नहीं, तब समझो हो जाए। वे तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतु कर चले जाते हो परम धाम, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। निरसंकल्प तो होंगे परम धाम में, बाबा कह रहे हैं, तो इसको निसंकल्प इस प्रकार से कहेंगे, तब कहेंगे यदि आपके संकल्प नहीं चलते, यदि आपको संकल्प चलाने पड़ते हैं तो निरसंकल्प नहीं। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे, परम धाम में जब होते हैं तो वहां कर्म भी नहीं है और अकर्म भी नहीं है, अकर्म भी नहीं है, दोनों से परे अकर्मी अवस्था है, उसका नाम है अकर्मी। कर्म अकर्म से परे ये नई अवस्था है अकर्मी अवस्था, निरसंकल्प अवस्था। यहां अकर्म है, जब हम आत्मा समझकर कर्म कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं, तब वो अकर्म है, तब वो निरसंकल्प है, क्योंकि आपको संकल्प नहीं चलाने पड़ रहे, वहां पर संकल्प नहीं चलाने पड़ेंगे और अकर्मी अवस्था होगी, वहां कोई कर्म है ही नहीं, ना कर्म है ना अकर्म है, और वो है अकर्मी अवस्था।
अकर्म और अकर्मी अवस्था में अंतर, वो अवस्था है परंतु तो अकर्म अवस्था नहीं है, उसमें कर्म हुआ है लेकिन हाँ बाबा की श्रीमत पर हुआ है। यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता तो उसे अकर्म कहा जाता है। तो कर्म करते हुए कर्म बंधन नहीं बनता इसलिए उसे अकर्म कहा जाता है, परंतु धीरे धीरे देह के प्रभाव में आकर विकर्म बनना शुरू हो जाता है। समझा? अब ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं, विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहां आए ही हो क्या करने? हिसाब किताब चुकतु करने। ऐसा तो नहीं यहां आए हिसाब किताब बनाते जाओ जो सजा खानी पड़े। ये गर्भ जेल की सजा कोई काम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है इसलिए सावधानी से चलना चाहिए, विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई? कितने तुम इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो? ये तुम अपने को जान सकते हो, जो खुद को ना समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, वो बाबा से पूछ सकते हैं यदि खुद समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वो बता सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रू रिहान करनी है, फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूं, ये दृष्टि पक्की करनी है। जैसे जैसे दृष्टि पक्की होती जाएगी सफलता मिलती जाएगी, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे सिर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भाव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का अधर्म, स्वराज्य का धर्म व धारणा है भविष्य संसार का फाउंडेशन है। क्या है? एक धर्म एक राज्य, भविष्य संसार का फाउंडेशन। स्वराज्य का धर्म व धारणा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता, सब प्रकार की केवल ब्रह्मचर्य नहीं, संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्र अर्थात दूसरा धर्म ना, तो संकल्प में भी दूसरे धर्म की बात ना आए। जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता
अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा, ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।